हेलो एवरीवन, तो अभी हम लर्न करेंगे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, जहाँ जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। तो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक मीन्स हार्ट, कंडक्शन मीन्स ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट क्या करना? इम्पल्सिस, जहाँ इलेक्ट्रिकल वेव्स ट्रांसमिट करना। तो वो जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं या इम्पल्सिस हैं वो पूरे हार्ट में ट्रांसमिट होती हैं, कंडक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो ये जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है, ये हार्ट की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। मतलब हार्ट जो काम करता है, ब्लड जो पंप करता है हार्ट, वो किसके कारण करता है? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के कारण। और इस सिस्टम के कारण जो इम्पल्सिस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या इलेक्ट्रिकल वेव्स, वो जनरेट भी करता है ये सिस्टम। और हार्ट के जो मसल्स हैं या कार्डियक मसल्स हैं, उन तक ये इम्पल्सिस को कंडक्ट भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। इसके कारण ही जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और ब्लड भी पंप करता है। तो ये है इंट्रोडक्शन कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। देन पार्ट्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, मेनली इसके फोर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है साइनो एट्रियल नोड, जहाँ जिसको हम SA नोड भी कहते हैं, जहाँ हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जहाँ जिसको हम AV नोड भी कहते हैं। और थर्ड पार्ट है इसका बंडल ऑफ हिज, और फोर्थ पार्ट है परकिंजे फाइबर्स। तो हार्ट में हम देखते हैं कि कहाँ पे सिचुएटेड हैं ये। ये डायग्राम में देखिए SA नोड, तो SA नोड, साइनो एट्रियल नोड जो है वो हार्ट के राइट एट्रियम के बिल्कुल ऊपर वाली एरिया में, जो सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग है उसके पास ये सिचुएटेड होती है SA नोड। और जो AV नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वो बिल्कुल जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके नज़दीक सिचुएटेड होती है। उसके बाद बंडल ऑफ हिज, जो बंडल ऑफ हिज है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर सिचुएटेड होता है। उसके बाद इसकी दो ब्रांचेज हो जाती हैं बंडल ऑफ हिज की, वो है लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। और उसके बाद ये दोनों वेंट्रिकल्स में इसके काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले है साइनो एट्रियल नोड या SA नोड या पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। कौन से सेल्स? मसल सेल्स, जो कार्डियक मसल्स हैं उनके ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि नोड बनाते हैं। और ये बिल्कुल राइट एट्रियम के ऊपर वाले एरिया में सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग के पास ये सिचुएटेड होते हैं। और इनका काम है इंट्रिंसिक पेस मेकर की तरह काम करना और हार्ट रेट को रेगुलेट करना या हार्ट रेट को कंट्रोल करना। तो SA नोड से जो इम्पल्सिस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं, जनरेट भी होती हैं, और दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में ये ट्रांसमिट हो जाती हैं, कंडक्ट हो जाती हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्या करती हैं, जो एट्रिया का मायोकार्डियम लेयर है, जो बीच वाली लेयर है, मसल लेयर एट्रिया की, उनको स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण कि एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और
राइट एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये जो इम्पल्सिस ये कंडक्ट होती हैं जहाँ ट्रांसमिट होती हैं इनका ड्यूरेशन होती है 0.5 पर सेकंड, ठीक है, 0.5 मिनट पर 0.5 पर सेकंड में ये ट्रांसमिट होती हैं। ये है SA नोड। उसके बाद है सेकंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जहाँ जिसको हम AV नोड भी कहते हैं। एट्रियो मींस एट्रिया, वेंट्रिकुलर मींस वेंट्रिकल। तो ये नोड जो है ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की बनी होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप है ये नोड। और ये कहाँ सिचुएटेड होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि लेफ्ट हार्ट को राइट हार्ट से सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जस्ट अबव द कोरोनरी साइनस ऑस्टियम के जस्ट अबव सिचुएटेड होती है। और इसके कारण ये जो एवी नोड है ये एट्रिया से इम्पल्सिस रिसीव करती है, दोनों एट्रिया से इम्पल्सिस रिसीव करती है और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो हैं वो वेंट्रिकल्स तक ट्रांसमिट करती है। तो ये वेंट्रिकल्स जो बंडल ऑफ फेज है वहाँ तक ये इम्पल्सिस जो हैं वो ट्रांसमिट होंगी एवी नोड से। तो एवी नोड की जो है वो है 0.05 पर सेकंड। और इसके कारण की जो जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज भी जो है वो हार्ट मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका ग्रुप है, जो ग्रुप मिलके बनाते हैं बंडल ऑफ हिज। और ये कहाँ से इम्पल्सिस आती हैं इसके पास, एवी नोड से। तो एवी नोड से जो इम्पल्सिस हैं वो बंडल ऑफ हिज तक आती हैं और ये बंडल ऑफ हिज जो है सेप्टम में ही इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। और ये बंडल ब्रांचेस जो हैं वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में इम्पल्सिस जो है वो ट्रांसमिट करती हैं ये ब्रांचेस। और इसके बाद ये ब्रांचेस काफ़ी छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। देन परकिंजे फाइबर्स, तो परकिंजे फाइबर्स क्या हैं, बंडल ऑफ हिज की जो बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, सब एंडोकार्डियम, मतलब जो एंडोकार्डियम लेयर है सबसे अंदर वाली लेयर जो हार्ट की उसके नीचे, सब मतलब नीचे ये सिचुएटेड होते हैं। और ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनके मायोकार्डियम तक जो बीच वाली लेयर है, मिडल लेयर है, वहाँ तक ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रांसमिट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रांसमिट होती हैं उसके कारण जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो ये हमने देखा कि कंडक्शन सिस्टम के कारण ही जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जिसके कारण कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। तो हार्ट की फिजियोलॉजी जो है वो इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है और इस सिस्टम के कारण ही हार्ट की जो फिजियोलॉजी है वो होती है, हार्ट का फंक्शन जो है वो होता है। अब देखते हैं कि इम्पल्सिस कैसे कंडक्ट होती हैं। तो सबसे पहले कहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, तो स्टार्ट होती हैं SA नोड से।
इम्पल्सिस फ्रॉम SA नोड, जिसको हम हार्ट का पेसमेकर भी कहते हैं। उसके बाद दोनों एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया में ये इम्पल्सिस ट्रांसमिट होती हैं। थर्ड कि ये एट्रिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इम्पल्सिस की वजह से, और फिर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो AV नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, वो ट्रिगर होती है। ट्रिगर होने के बाद AV नोड से इम्पल्सिस जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। ट्रांसमिट कहाँ, AV नोड से ट्रांसमिट होके ये पहुँचती हैं AV बंडल, जहाँ बंडल ऑफ हिज, और फिर बंडल ऑफ हिज से ट्रांसमिट होके ये पहुँचती हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस तक, और फिर बंडल ब्रांचेस से ये ट्रांसमिट होके पहुँचती हैं परकिंजे फाइबर्स तक, और फिर परकिंजे फाइबर्स से ये इम्पल्सिस पहुँचती हैं दोनों वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम तक, और फिर जिसके कारण कि दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।